हाँ जी दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल ऑथेंटिक हिस्ट्री पर। आप सभी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल्स की जो वीडियोस है उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनको शेयर किया। और मैंने ये भी देखा है कि आपके व्हाट्सएप पर मेरे आपके कमेंट्स आते हैं और सजेशंस भी आते हैं, और जिसके लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और मैं अब अपने उसी विषय पर आता हूँ, जैसे कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, कि उनकी कुछ ऐसी प्लानिंग्स थी जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं थी। प्रैक्टिकल ना होने के कारण या विदाउट किसी की एडवाइस के उन्होंने ऐसी अपने प्लानिंग्स तैयार की जो कि एक करके करके फेल होती गई। अब देखिए, वर्नी की बात करूँ मैं, तो वर्नी ने तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है फ़िरोज़ शाह के समय में, और उन्होंने तो ज़्यादातर चापलूसी करने की कोशिश भी की है, या ये कह लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो कज़न थे सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक, जो नेक्स्ट सुल्तान थे, उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कुछ मनगढ़ंत बातें भी लगाई हैं अपनी उस तारीख़ फ़िरोज़ शाही में, और ये भी साबित करने की कोशिश की है कि मोहम्मद बिन तुगलक का झुकाव हिंदुओं की तरफ हो गया था। क्योंकि कई ऐसे एविडेंस मिलते हैं जहाँ पर ये देखने को मिलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक कुछ योगियों से भी मिले हैं, या कह लीजिए कि होली जैसे त्यौहारों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अब वर्नी तो यहाँ पर कुछ कॉमनल बात करके ये इशारा कर देते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ऐसा होना ही था, या ऐसे ही कुछ जो कह लीजिए विचार हैं वो भी, या कुछ कंसेप्शन जो दिए हैं वो इसामी ने भी दिए हैं अपनी बुक फतवात ए सलातीन में, राइट। परंतु जो इनके मेन आई विटनेस हैं, अगर हम, मैं आपको पहले कह दिया था कि मेरे चैनल का नाम ऑथेंटिक हिस्ट्री है, और मैं ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफीज़ या प्राइमरी सोर्सेज या आई विटनेस को ही फोकस करता हूँ, उनको ही यानी रीड करने की कोशिश करता हूँ, या उनके साथ उनकी गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप तक एक सही हिस्ट्री पहुँचे। तो इवन बतूता, जी हाँ, इवन बतूता जो कि अफ्रीका से आए थे, मोरक्को से, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने तो कुछ जैसे वो चाहे 8 साल ही रहे हैं, पर उन्होंने अपनी जो जो मोहम्मद तुगलक की योजनाएं थी उनका बड़े अच्छे तरीके से विस्तार से वर्णन किया है अपनी बुक किताब उल रहला में। यू कैन रीड, यू कैन सी देयर बुक किताब उल रहला, जी हाँ, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ये। और इवन बतूता ये वही शख्स हैं जो कि कह रहे थे कि उन्हें लगता है कि मोहम्मद, उन्हें लगता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक की डेथ जो है वो नेचुरल नहीं थी। जी हाँ, ये वही मोहम्मद, ये वही इवन बतूता हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन्होंने यही कहा कि राजधानी को बदलना, यू नो, दिल्ली से देवगिरी। अब आपको ये क्लियर कर दूं कि देवगिरी जो है वो उसका बाद में नाम दौलताबाद रखा गया, ये एक तरह से साउथ की तरफ चली जाती है। तो दिल्ली से लोगों को एक तरह से आप कह लीजिए दौलताबाद के लिए आदेश देना, और फिर वहाँ पर ये कह के कि वहाँ पर दिल्ली लग रहा, दोबारा फिर उनको वापस लेके आना। तो ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि दो ऐसे लोग भी थे जो कि कोई रास्ते में मारे गए। जी हाँ, काफ़ी लोग रास्ते में मारे गए थे, ये तो है ही है। अगर हम घर भी चेंज करते हैं, कहीं और जाते हैं, तो एकदम से हमारा दिल नहीं लगता, ये तो सच्ची बात है। ह्यूमन बीइंग है, किसी कहीं भी देख लीजिए, अगर आप किसी पक्षी को भी ले आएंगे, ठीक है, या किसी को भी ले आते हैं, तो एकदम से तो किसी का भी दिल नहीं लगता। तो ये तो लोग हैं, दिल्ली के लोग। अब दिल्ली के लोगों को इतनी दूर ले जाया जा रहा है, पता आपको किस लिए? आपको पता है किस लिए? मंगोलों के डर से। जी हाँ दोस्तों, मंगोलों के डर से। मैं यहाँ पर एक बार फिर रिपीट करूँगा ये नेम मंगोल, ताकि आपको मुगल ना लगे। पर इन मंगोलों का मुगल से रिलेशन तो है, वो हम बाद में बात करते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक में कायरता भी देखने को मिलती है, या ये कह लीजिए कि वो उन्होंने ये सोच लिया कि मैंने तो लड़ना ही नहीं है। तो अब मंगोलों का एक डर, उनके हमलों का डर, ये उनको बार बार सता रहा था, जिसके कारण उन्होंने, मतलब कि ये एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की। तो ये एक रीज़न रहा है कि वो इनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेली वाला जो कंसेप्ट है इनका, जो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और फ्लॉप हो गया। इसके लिए इनको
काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत से लोग मारे गए, बहुत सारा नुकसान हुआ। इसी तरह खुरासन अभियान, काराचल, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दुआब में किसानों पर टैक्स लगाना, और तो छोड़िए टोकन करेंसी, जी हाँ, वो सिक्कों का जैसे करना कि आप एक तरह से क्वाइंस को जारी करते हो लेकिन विदाउट ही मिंट। अब अगर हमारे पास भी क्वाइंस हैं या नोट हैं तो वहाँ पर आरबीआई हमें देखने को मिलते हैं, तो एक जिम्मेवारी वाला काम होता है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा सक्सेसफुली मोहम्मद तुगलक का हमें देखने को पोर्शन नहीं मिला। और इरफान हबीब साहब जैसे हिस्टोरियंस भी ये लिखते हैं, जिन्होंने जिनका इकोनॉमिक हिस्ट्री पर सबसे ज़्यादा एक तरह से उनका फील्ड रहा है, कि सांकेतिक मुद्रा प्रणाली जिसे टोकन करेंसी कहते हैं, ये एक अच्छा यानी कि कह लीजिए प्लान नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये एक अच्छा स्टेप नहीं था। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि इतनी सारी उनकी जो मीन्स है प्लानिंग, वो फ्लॉप होती जा रही हैं, इसके कारण क्या हैं? तो यहाँ तक तो कारण कुछ ये भी हैं, कुछ हिस्टोरियंस तो ये भी कह रहे हैं कि जनता उनसे रुष्ट थी क्योंकि उन्होंने जनता को तंग किया। आप किसी को ले जाते हो फिर उसको छोड़ जाते हो कि चलिए आपका दिल लगा नहीं, चले चलें भाई। कोई ये तो है नहीं कि हम क्या कहते हैं एक ये कोई 5-10 किलोमीटर की बात है, आप उनको हज़ारों किलोमीटर तक ले गए, वो भी इतने पढ़े लिखे सुल्तान होके। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ, सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूँ कि एक मोहम्मद बिन तुगलक थे जो कि एक वेल एजुकेटेड सुल्तान जिसे हम कहा जा सकता है, आज के जैसे आप बच्चे बड़े अच्छे पढ़ रहे हैं या अच्छे अच्छे फील्ड में हैं, तो एक तो ये और प्रैक्टिकल वाली कोई बात नहीं, और एक था अकबर, जहाँ अकबर मुगल किंग जो कि अनपढ़ था और वो सक्सेसफुल रहा। मैं ही नहीं, वी एस स्मिथ जैसे फॉरेन राइटर्स भी उन्हें अकबर द ग्रेट कहते हैं, क्योंकि कुछ तो बात होगी उनमें भी, सेकुलर थे या कुछ भी बातें थी। तो यहाँ पर अब मैं अकबर का तो यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये कह रहा हूँ कि इसका मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है, दिस इज नो नॉट ए आई मीन टू से कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम पढ़ाई ना करें या अनपढ़ रह जाएँ, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि पढ़ाई करनी वाकई बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी होगा। आपको अपने अच्छे एडवाइज़र्स रखने चाहिए, उनसे पूरा एडवाइस लेके ही आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो इतिहास माफ़ नहीं करता। अभी भी जो हुक्मरान अलग अलग कंट्रीज़ के हैं, आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही चले जाएँगे? बुक्स हिस्ट्री की बनती जा रही हैं और हमारी जनरेशन्स जो नई न्यू जनरेशन आएंगी या जो चल रही हैं वो इनको पढ़ते रहेंगे, जहाँ पढ़ते रहेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर अच्छे काम किए हैं तो अच्छे कामों के लिए ही याद किया जाता है। और आपको मैं बताऊँ ये एक और बात कि फिरोज शाह तुगलक जब सुल्तान बने थे, क्योंकि अब मोहम्मद तुगलक की डेथ हो गई थी 1351 में, 1351 में, तो जैसे ही वो इनके कज़न फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बने, तो उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया कि अपनी जनता के लिए सुधार करने का एक प्रोग्राम बना दिया कि मैंने सुधार करनी है, दीन दुखियों की सहायता करनी है। लेकिन ये भी कह दिया कि आप लोग लेटर्स लिखिए, पत्र लिखिए, उनमें मेरे कज़न मोहम्मद बिन तुगलक को माफ़ कर दीजिए। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि उसने उनसे लिखवाया। तो और तभी तो मैंने कहा था कि वर्नी ने चाहे 57 तक ही फरोशा तारीख फरोशाही लिखी है, पर उन्होंने भी मोहम्मद बिन तुगलक की ये नहीं कह रहा कि निंदा नहीं की, निंदा की है, वर्नी ने निंदा की है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। और जहां पर उसने कुछ असावधानी बरती है तो उसको खामियाजा भुगतना भी पड़ा। जहां वर्नी जो मेरे कुछ चाहवान जो हमारे रीडर्स हैं हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, वो आज मेरी बात को ये ज़रूर अगर ध्यान से मेरी वीडियो देखें तो मेरी बात को ज़रूर कैच करें कि मैं एक बार फिर बोल दूं कि वर्नी से तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखते हुए कुछ ऐसी कोताही हो गई कि जिसका उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, नाराज़गी उठानी पड़ी अपने सुल्तान से। और जब भी आप अपने बादशाह या सुल्तान या अपने किसी भी बॉस से
नाराज़गी आपको मिलती है तो उसका सीधा सा आपको क्या मिलेगा, या मुझे अगर मैं ही हूँ तो नेचुरल बात है उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता।